दोस्तों ड्वेन द रॉक जॉनसन आज के समय में हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर होने के साथ साथ सक्सेसफुल रेसलर हैं। इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हर साल रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती है। दोस्तों आज की हमारी ये लाइफस्टाइल सीरीज की चौथी वीडियो है जिसमें हम द रॉक के बारे में जानेंगे, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों द रॉक का जन्म 2 मई 1972 को हेवार्ड कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। इनका पूरा नाम ड्वेन डॉगलस जॉनसन है। इनका रिंग नेम है द रॉक। ये पेशे से एक एक्टर, प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल रेसलर और प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर हैं। इन्होंने अपनी स्कूलिंग रिचमंड रोड प्राइमरी स्कूल से की, जिसके बाद द रॉक ने यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी से क्रिमिनोलॉजी और फिजिकोलॉजी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि द रॉक एक प्रोफेशनल रेसलर रह चुके हैं, पर वो कभी रेसलर बनना ही नहीं चाहते थे। उनका सपना था कि वह अमेरिकन प्रोफेशनल फुटबॉलर बने और एनएफएल में खेलें, जिसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी की तरफ से कैनेडियन फुटबॉल लीग में रहकर अपने प्रोफेशनल फुटबॉल करियर की शुरुआत की। द रॉक ने 1919 से लेकर 1995 तक फुटबॉलर के तौर पर ही अपना करियर कंटिन्यू रखा, पर 1995 में उनको एक मैच के दौरान नी इंजरी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनको टीम से निकाल दिया गया। फिर द रॉक ने अपने पिता रॉकी जॉनसन से रेसलिंग की ट्रेनिंग लेनी शुरू की और 1996 में द रॉक को WWF का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और उन्होंने 10 मार्च 1996 को WWF में अपने रियल नेम ड्वेन जॉनसन के नाम से डेब्यू किया और अपने डेब्यू मैच से उन्होंने द ब्रुकलिन ब्रॉलर को हरा दिया। इसके बाद इनका मेन रोस्टर में डेब्यू सर्वाइवर सीरीज 1996 में 8-man इलिमिनेशन टैग टीम मैच में हुआ। डेब्यू के सिर्फ 3 महीने बाद ही द रॉक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए ट्रिपल एच को हरा के, जिसके बाद शुरू हुआ द रॉक का द नेशन ऑफ डोमिनेशन, जिसमें द रॉक बने थे WWF के सबसे बड़े हील। आगे चल के द रॉक 1998 के किंग ऑफ द रिंग बने। उन्होंने 1998 के रॉयल रंबल मैच को भी जीता। इसी के साथ द रॉक जब WWF में सफलता के झंडे गाड़ते जा रहे थे, तब उनके प्रदर्शन को देखकर उनको हॉलीवुड में भी काम मिलना शुरू हो गया। इनका हॉलीवुड में डेब्यू 1999 में बियॉन्ड द मैट से हुआ। ये एक डॉक्यूमेंट्री थी। इनको असली पहचान स्कॉर्पियन किंग के रोल के जरिए पूरे हॉलीवुड में मिली, जहां इन्होंने द ममी रिटर्न में इसका पहला रोल निभाया था। फिर साल 2002 में आई फिल्म द स्कॉर्पियन किंग मूवी से द रॉक हॉलीवुड का एक बड़ा नाम बनते चले गए, जिस मूवी में उन्होंने स्कॉर्पियन किंग का एक अहम रोल निभाया था और इस मूवी के लिए उन्हें $5.5 million दिए गए थे, जो आज तक किसी भी हॉलीवुड एक्टर के पहले अहम भूमिका के लिए दिया गया सबसे ज्यादा धन राशि है। जिसके बाद द रॉक ने द स्कॉर्पियन किंग की तरह द रनडाउन, वॉकिंग टॉल, फास्टर, जीआई जोई और फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह बड़ी हॉलीवुड मूवी की। द रॉक ने अब तक कुल 41 हॉलीवुड मूवी की है और इनकी आने वाली मूवी है जंगल क्रश और ब्लैक एडम। दोस्तों द रॉक ने अपने रेसलिंग करियर में 17 अलग अलग चैंपियनशिप अपने नाम करी है, जिसमें से 8 तो वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल है। इसी के साथ अवार्ड्स में भी उनके नाम 21 अलग अलग अवार्ड शामिल हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं द रॉक के फैमिली के बारे में। दोस्तों द रॉक के पिता का नाम है रॉकी जॉनसन और रॉक की मां का नाम है एटा जॉनसन। द रॉक की बहन का नाम है वांडा बाउलस। दोस्तों द रॉक ने 1997 में डेनी गार्सिया से शादी की थी, जिसके बाद साल 2007 में इनका डाइवोर्स हो गया, पर आज भी ये एक अच्छे दोस्त हैं। डेनी गार्सिया से द रॉक की एक बेटी है जिसका नाम सिमोन एलेक्जेंड्रा जॉनसन है। द रॉक की सेकेंड वाइफ का नाम है लॉरेन हर्सियन और इनसे द रॉक को 2 बेटी हैं, जिनका नाम है जैस्मिन जॉनसन और टियाना जॉनसन।
दोस्तों दी रॉक के पास जॉर्जिया में एक शानदार लग्जरियस घर है जिस घर की कीमत है 9.2 मिलियन डॉलर। अगर इसे इंडियन रुपीस में देखें तो करीब 60 करोड़ रुपए। दोस्तों अब हम बात करते हैं दी रॉक के कार कलेक्शन के बारे में। दी रॉक के पास एक कैडिलैक एस्केलेड है जिसकी कीमत 93,000 US डॉलर है। इनके पास लेम्बर्गिनी हरिकेन ईवो भी है जिसकी कीमत है 2,61,000 US डॉलर। इनके कार कलेक्शन में रेंज रोवर स्पोर्ट भी है जिसकी कीमत है 90,000 US डॉलर। इसके अलावा दी रॉक के चौथे कार कलेक्शन में फोर्ड मस्टैंग भी है जिसकी कीमत है 46,000 US डॉलर। दोस्तों पांचवें नंबर पर जो कार है वह है फोर्ड F-150 जिसकी कीमत 33,000 US डॉलर है। छठवें नंबर पर है BMW i8 जिसकी कीमत 1,47,000 US डॉलर है। सातवें नंबर पर है दोस्तों पगानी हुआयरा। ये कार मोस्ट एक्सपेंसिव कार की लिस्ट में शुमार है जिसकी कीमत 1.4 मिलियन US डॉलर है और ये कार भी दी रॉक की कार कलेक्शन में शामिल है। दोस्तों दी रॉक के कार कलेक्शन में मोस्ट लग्जरियस कार है ला फेरारी अपार्टा जिसकी कीमत है 10 मिलियन US डॉलर। दोस्तों अब हम बात करते हैं दी रॉक की इनकम के बारे में। तो दी रॉक एक मूवी करने के 21 मिलियन US डॉलर चार्ज करते हैं जिसे अगर इंडियन रुपीस में देखें तो वो करीब 120 करोड़ रुपए होगी। दोस्तों दी रॉक की ज्यादातर इनकम इनके ब्रांड एंडोर्समेंट और अपनी बिजनेस से आती है। इसके अलावा दी रॉक ने प्रॉपर्टीज में भी 52 मिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इससे भी दी रॉक की अच्छी अर्निंग होती है। दोस्तों दी रॉक की 2020 की नेटवर्थ की बात करें तो वो करीब 260 मिलियन डॉलर से बढ़कर 320 मिलियन डॉलर हो गई है जिसे अगर इंडियन रुपीस में देखें तो वो करीब 2500 करोड़ रुपीस होती है। ये रही दोस्तों दी रॉक की लाइफस्टाइल वीडियो। आप अगला वीडियो किस सेलिब्रिटी के ऊपर देखना चाहेंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल आमिर डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।